गाइस मेरे बताए हुए इस नुस्खे को फॉलो कर लीजिए। मात्र 7 दिन में आपके पुराने से पुरानी झाइयां, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, छोटे छोटे दाने या फिर आपके अगर फेस पे बम्स हो गए हैं, एक्नी हो गई है, क्लॉक पोर की समस्या है, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे, वो भी 7 डेज में। बिल्कुल आपने सही सुना। देखिए, कॉम्प्लेक्शन चाहे जो भी हो, लेकिन हमारी स्किन क्लियर होनी चाहिए। चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर किसी का सपना होता है कि ना तो उसके फेस पे एक्ने हो, ना ही पिंपल हो, ना ही क्लॉक पोर की समस्या हो, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स भी बिल्कुल ना हो, आपकी स्किन एकदम नीट एंड क्लीन हो। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि आप किसी क्लिनिक में जाएं और केमिकल पील करवाएं, है ना? सुनने में अजीब लगा होगा कि ईशा क्या बोल रही है। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए केमिकल पील का सहारा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं करती, क्योंकि इसकी एक सेटिंग जो होती है वो 1000 या फिर 2000 के मिड में होती है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आज का मेरा ये वीडियो, मैं आपसे इस वीडियो में 3 तरीके शेयर करूंगी जो केमिकल पील की तरह आपके फेस पर काम करने वाले हैं, जो सबसे पहले आपके क्लॉक पोर्स, जिसमें उसमें गंदगी आ चुकी है, आपके जो ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है उसकी वजह से ब्लैक हेड, व्हाइट हेड बहुत ज्यादा हो गए हैं, एक्नी बहुत ज्यादा हो गया है, पिंपल बहुत ज्यादा हो गए हैं या फिर झाइयों की समस्या है, उनको ये जड़ से खत्म करेगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत आसान से तरीके हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं, और वो केमिकल पील इतना बेहतरीन रिजल्ट देगी कि आप मार्केट में होने वाले ट्रीटमेंट्स को हमेशा के लिए भूल जाएंगे और अपनी स्किन से आपको प्यार हो जाएगा और इनफैक्ट आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishamehra और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। इसके लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है, एक है लैक्टिक एसिड और दूसरा है सिट्रिक एसिड। जब इन दोनों को हम कंबाइन करके अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो इसका इतना अल्टीमेट रिजल्ट आता है। ये आपके ब्लैक हेड्स को, व्हाइट हेड्स को, आपके जितने भी टाइनी बम्स हो रहे हैं, छोटे छोटे दाने, चाहे माथे पर हो चाहे फेस पर हो, उनको रिड्यूस करता है, आपके क्लॉक पोर्स को खत्म करता है, ओपन करता है। तो अब हम लैक्टिक एसिड के लिए यूज करेंगे 1 चम्मच खट्टा दही, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करता है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ घर का बना हुआ फ्रेश दही। आप भी जरूर मार्केट का ना लेते हुए घर का ही फ्रेश दही का इस्तेमाल करें, ठीक है? अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कच्चा दूध। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना सिट्रिक एसिड, जो है लेमन। जी हाँ, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर आपकी स्किन पर इतना अल्टीमेट रिजल्ट देगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। लेमन की आपने लेनी है 2-3 ड्रॉप्स। आप चाहे तो 1 स्पून भी ले सकते हैं, मेरी स्किन को लेमन बहुत अच्छे से सूट करता है तो मैं 1 स्पून लूंगी। इसको अच्छे से आप मिक्स करें। मिक्स करने के बाद में आप देख सकते हैं इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। उसके बाद आप इसको अपने फेस पर फिंगर टिप्स पे लें या किसी ब्रश की हेल्प से भी आप अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद आप इसको 15 मिनट्स तक एज इट इज अपने फेस पर रखें और 15 मिनट्स के बाद इस तरीके से मसाज करते हुए अपने फेस से इसको उतार दें और ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लें। जब आप अपना फेस वॉश करेंगे इसको अच्छे से मसाज देने के बाद, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके फेस पर इतना अल्टीमेट ग्लो आएगा और आपके फेस की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। इसको अप्लाई करना है वीक में 3-4 टाइम्स, ठीक है? अब इसी में मैं आपके साथ दूसरा एक और केमिकल पील शेयर करूंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? इनमें से कोई एक केमिकल पील आपने यूज करना है, सारे नहीं करने। तो नेक्स्ट केमिकल पील के लिए आपको क्या करना है, एक खाली बाउल लेना है, उसमें डालना है 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, जिसमें होता है मेलिक एसिड। जी हाँ, मेलिक एसिड के बहुत तरह के लीक्विड्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, जो अगर आप किसी महंगे से महंगे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपकी स्किन में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन वो इतने ज्यादा कॉस्टली होते हैं, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता और उसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट होने का भी डर रहता है, बिकॉज वो केमिकल पीलिंग मार्केट वाली है। लेकिन एप्पल में भरपूर मात्रा में मैलिक एसिड पाया जाता है, जो आज हम यूज कर रहे हैं उसका ACV, यानी एप्पल साइडर विनेगर, जो आपकी स्किन से सारे ओपन पोर्स की, क्लॉक पोर की समस्या को दूर करता है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को दूर करता है और आपकी स्किन को एकदम अल्टीमेट रिजल्ट देता है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा रहेगा, वो हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 ड्रॉप्स लेमन की,
उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स रोज वाटर की। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद में आपने इसमें कॉटन डिप करना है और बहुत ही हल्के हाथों से आपने अपने पूरे फेस पे इसको हल्के हल्के तरीके से थिन लेयर अप्लाई करनी है। जैसे ही आप थिन लेयर को अप्लाई करेंगे उसके 15 मिनट बाद आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें और नॉर्मल टॉवल से अपने फेस को क्लीन कर लें। उसके बाद कोई भी अपना डेली मॉइस्चराइजर नहीं तो आप एलोवेरा जेल को अपने फेस पर इस तरीके से अप्लाई कर लें। तीसरा तरीका जो इसमें हम यूज करने वाले हैं वो भी है केमिकल पील। आप इनमें से कोई भी एक तरीका चूज कर सकते हैं। तो एक वीडियो में देख लीजिए आपके लिए मैं कितना सारा मेहनत करके लेकर आई हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थर्ड केमिकल पीलिंग है हमारी ग्लाइकोलिक एसिड। जी हाँ, ग्लाइकोलिक एसिड नाम से बहुत तरह की पीलिंग मार्केट में अवेलेबल है जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, और अगर आप इसकी एक सिटिंग लेने जाते हैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 800 से 1000 रुपए को पे करना पड़ता है। लेकिन घर पर आप ग्लाइकोलिक एसिड को आराम से पील को रेडी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक बर्तन ले लीजिए, उसमें आप कम से कम 5 चम्मच चीनी ऐड करिए, आधा कप आपने पानी ऐड करना है, मिनरल वाटर, ठीक है। कईयों को टैप वाटर सूट नहीं करता इसलिए आप मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें। इसको अच्छे से बॉईल कर लें। जब चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर दें। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद में अब आपको इसको एक बाउल में निकाल लेना है। उसमें आपने ऐड करना है 1/2 स्पून लेमन का जूस और इसमें ऐड करना है आपने 1/2 स्पून रोज वाटर। इनको अच्छे से आपने मिक्स करना है और बहुत थोड़ा सा आपने इसमें हनी ऐड करना है, ठीक है, 1/2 स्पून के बराबर। क्योंकि चीनी में भरपूर मात्रा में ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो आपकी स्किन से सारी डलनेस को, पिगमेंटेशन को, पैचिनेस को, पिंपल के मार्क्स को, क्लॉक पोर्स को, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स को बहुत अच्छे से रिमूव करेगा। इस तरीके से आपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने पूरे फेस पर आंखों से बचाकर इस पूरे पील को, केमिकल पील को आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के 15 मिनट बाद आपको ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो देना है। जब आप इसको लगाएंगे तो हल्की सी टिंकलिंग सेंसेशन होगी, है ना, हल्की सी इचिंग टाइप की होगी क्योंकि आपने इसमें लेमन ऐड करा है, आपने इसमें चीनी ऐड करी है, लेकिन उससे आपको कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला, डोंट वरी। हफ्ते में इनमें से कोई भी एक प्रोसेस को 3 बार आपने अप्लाई करना है। तो प्लीज आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि कब अप्लाई करें, तो वीडियो को ध्यान से सुने, आपको सारी बातों के आंसर्स वीडियो में मिल जाते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा वीडियो बेहद पसंद आया होगा, तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहो मुझे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी बल्कि आपका बॉडी और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।